हेलो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक का न्यू एम पिन कैसे बनाएं। दोस्तों, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर काफ़ी अपडेट आते रहते हैं। हफ्ते या 2 हफ्ते में कोई ना कोई न्यू फीचर ऐड हो जाता है। दोस्तों, आपको हम बताएंगे न्यू तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक का न्यू एम पिन कैसे बनाएं। दोस्तों, मैं और भी कई वीडियो बना चुका हूँ, फॉरगेट एम पिन कैसे करें, एम पिन न्यू कैसे बनाएं। दोस्तों, ये पहले के वीडियो हैं। अब जो दोस्तों अपडेट आया है, मैं आपको न्यू तरीके से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल वाले लोगों पर क्लिक करना है। लेफ्ट वाली साइड में आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। दोस्तों, अब आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। राइट वाली साइड में दोस्तों आप देख सकते हो सेटिंग्स। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में फिर दोस्तों आप देख सकते हो पेमेंट सेटिंग्स। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एम पिन बनेगा, हमें सेटिंग से ही एम पिन बनाना है। तो हमें पेमेंट सेटिंग्स पर अब क्लिक करना है। पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में एयरटेल पेमेंट बैंक, दोस्तों अब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, चेंज एम पिन, फॉरगेट एम पिन और दोस्तों जनरेट ए न्यू एम पिन। दोस्तों आप देख सकते हो फॉरगेट एम पिन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट ए न्यू एम पिन। दोस्तों, हमें न्यू एम पिन बनाना है तो फॉरगेट एम पिन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों हमें ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो रिसेट एम पिन। दोस्तों, हमें नया एम पिन बनाना है तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम इंटर करना है, फिर लास्ट नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आपके आधार कार्ड पर जो नाम है सेम आपको नाम इंटर करना है। जिसके आधार से एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन है उसी का यहाँ पर आधार डिटेल्स इंटर करनी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जो मोबाइल नंबर से एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हमें इंटर ओटीपी में इंटर करना है। फिर दोस्तों हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ओटीपी इंटर करने के बाद में सबमिट पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों हमें 4 अंक का एम पिन बना लेना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर जो एम पिन इंटर किया है वही हमें कन्फर्म एम पिन में इंटर करना है। फिर डन पर क्लिक कर देना है। एम पिन अपडेट सक्सेसफुली, फिर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, एम पिन जो है बन चुका है। आप भी इसी तरीके से न्यू एम पिन बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।